एक साइंटिस्ट एक पोशन को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेता है। तभी वहां पर वैनम की नजर उस पर पड़ती है और स्क्विड गेम वाला बंदा दिखता है वहां पर पोशन गिर चुका है और वो डॉक्टर पर शूट करने लगता है। तभी वहां पर डॉक्टर की पैन गिरी हो जाती है और डॉक्टर वहां से जाने लगता है। स्क्विड गेम वाला बंदा तभी वहां पर आ जाता है और डॉक्टर को मार देता है। हगी बगी वहां से भाग जाता है और डॉक्टर मारा जा चुका था इसकी खबर उसे मिल जाती है और वो हगी बगी को लेने जाते हैं और जिसके बाद वहां से हगी बगी गायब था और जिसके बाद वहां पर एक गोली लगते ही वहां पर स्क्विड गेम वाला ट्रायंगल बियर जाग जाता है और तभी वहां वो लोग जाकर महाराज को बताते हैं हगी बगी गायब है और जिसके बाद वहां पर वो काफी गुस्सा हो जाता है। वैनम उन दोनों को बोलता है वो हगी बगी को ढूंढ कर लाए और जिसके बाद वो लोग हगी बगी को देख लेते हैं। वो लोग उसके पास जा ही रहे होते हैं तभी वहां पर वो एक बाइक वाले को रोकते हैं और वो काफी गुस्सा करता है रेड सिग्नल होने की वजह से और वो उन दोनों को मारने वाला होता है। तभी वहां से वो चला जाता है और जिसके बाद राजू की नजर मिल्क शेक पर पड़ती है और वो वहां जाता है जिसके बाद वो अपनी जेब से गोल्ड निकालकर सामने दुकान पर देता है। तभी वहां पर जॉम्बी के दो फ्रेंड आ जाते हैं और वो फ्रेंड मांगने लगते हैं उस मिल्क को और जिसके बाद तभी स्केलेटन जाकर वहां पे उसका मिल्क चोरी कर लेता है और तभी वहां पर वो दोनों उसका मिल्क चोरी करके आधा आधा पी लेते हैं और खाली कर देते हैं और उसे ट्रॉल कर देते हैं। तभी राजू उनके पास जाता है, वो घर जाएगा और उसकी मॉम तभी उससे पूछेगी और अगर वो सच बता देगा तो वो काफी मार खाएगा। तभी वहां पर वो फैसला करता है। तभी वहां पर वो देखता है दो बंदे भागे होते हैं, हगी बगी पीछे जा रहा था अपनी जान बचाने के लिए और राजू की नजर जाती है हगी बगी पर और वो कॉल लगा देता है जिसके बाद वहां पर डॉक्टर अपना फोन कॉल रखकर वहां से निकल जाता है और जिसके बाद वहां पर वो डॉक्टर वहां जाने लगता है अपने एक और सिक्योरिटी गार्ड के साथ। हगी बगी वहां पर काफी मार खा रहा होता है और तभी ऑफिसर आ जाते हैं और वो उसके बारे में पूछते हैं। पुलिस वहां पर फायर कर देती है और वहां पर वो दोनों उस पुलिस के पास जाने लगते हैं। हगी बगी को वो बेहोश कर देते हैं और वो जाकर पुलिस को मारने वाले होते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर वहां पर शूट कर देते हैं और वहां पर वो उन्हें किडनैप कर लेते हैं और जिसके बाद बंदी बनाकर वो पुलिस ऑफिसर उसको ले जाने लगते हैं। उनमें से एक ऑफिसर आकर चेक करता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, इस वजह से वहां से वो चला जाता है। स्क्विड गेम वाला बंदा अपनी जान बचा लेता है और हगी बगी को वो वापस ला लेता है और जिसके बाद वो हगी बगी का ट्रीटमेंट करने के लिए जाता है। राजू को एक आइडिया आ जाता है, वो सीड निकालकर चिकन को अपने पास बुलाता है और जिसके बाद वो चुपके से मौका देकर उस एग को लेकर वहां पर स्टोन रख देता है। राजू हगी बगी को ठीक करता है। फिर वैनम के पास आ जाता है स्क्विड गेम वाला बंदा। वैनम उससे हगी बगी के बारे में पूछता है लेकिन उसे नहीं पता चलता उसके साथ क्या हुआ है। तभी वहां पर वो स्क्विड गेम वाले बंदे को मरवा देता है और जिसके बाद वहां पर उसे जेल में डलवा देता है। हगी बगी तभी वहां पर उठ जाता है और जैसे ही वो उठता है वो जॉम्बी को देखकर काफी डरने लगता है और जिसके बाद जॉम्बी उसे पूरी बात बताता है, उसने उसकी जान बचाई थी और जिसके बाद वो जॉम्बी उसके पास जाकर उसे खाना खिलाने के लिए पूछता है। ट्रेडर वहां पर साफ सफाई कर रहा था और जिसके बाद वो ट्रेडर के पास चला जाता है और वहां पर वो ट्रेडर को एक गोल देने लगता है लेकिन वहां पर ट्रेडर उसे भगा देता है क्योंकि वो काफी भूख लगी होती है। तभी वहां पर हगी बगी सामने देखता है और वहां पर दो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, विदर स्केलेटन एंड स्केलेटन। हगी बगी वहां पर जाकर उनके खाने को देखने लगता है। दोनों स्केलेटन हगी बगी के पास जाने लगते हैं और जिसके बाद वहां पर उसका फूड लेने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं। राजू ये सब देखकर हगी बगी के पास जाता है और हगी बगी को बचा लेता है। तभी वहां पर हगी बगी बेहोश हो जाता है और राजू जाकर अपने हगी बगी को हिलाता है। हगी बगी को काफी भूख लगी होती है और जिसके बाद वहां पर वो अपनी मॉम के पास जाता है और जिसके बाद वहां पर वो अपनी हगी बगी के लिए खाना मांगता है। तभी उसकी मॉम उसे वहां से भगा देती है। राजू एक जगह पर हगी बगी को बैठा देता है और जिसके बाद वो अपनी मॉम को देखता है। वो अंदर आकर चुपचाप से चिकन ले जाता है और जिसके बाद उसकी मॉम जैसी सामने देखती है वहां पर उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो उससे पूरा का पूरा शक कर लेती है उसी जॉम्बी पर और जिसके बाद उससे पूछती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था। वो जॉम्बी को मार देती है और जॉम्बी वहां पर मार खाकर काफी ज्यादा सैड हो जाता है और जिसके बाद वो फूड वो हगी बगी को दे देता है और हगी बगी उसे खाकर वापस से एनर्जेटिक हो जाता है और जिसके बाद वो लोग फुटबॉल खेलने जाने लगते हैं। हगी बगी चल देता है और जिसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं शॉप में, वहां पर वो आयरन देकर एक फ्रेंडशिप बैच खरीदता है और जिसके बाद एक बैच वो हगी बगी को लगाता है और एक बैच खुद को लगाता है। इसका मतलब वो लोग फ्रेंड थे। वैनम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिसके बाद वो काफी गुस्सा होने के बाद वापस से भेज देता है स्क्विड गेम वाले बंदे को। तब वो जाने लगता है और जिसके बाद वहां पर वो एक जगह पर खड़ा होकर देखता है, वो उस अमीर आदमी के पास जाने लगता है और जिसके बाद वहां पर वो अमीर आदमी उसके सामने खड़ा होता है और वहां पर वो उसे शूट कर देता है और जिसके बाद वहां पर वो उसकी गाड़ी ले लेता है। स्क्विड गेम वाला बंदा वहां पर जा रहा होता है तभी वहां पर
वो पुलिस स्टेशन में देख लेता है। चुपचाप झुककर अपने भाई को देखने लगता है और उसका भाई जेल के अंदर बंद था। अचानक जेल खुल जाती है और जिसके बाद पुलिस उसे काफी ज्यादा मारती है और वो अपने भाई को देखकर काफी गुस्सा होता है। और जिसके बाद वहाँ पर एक आवाज आती है पुलिस वाले को। गेम वाला बंदा बोलता है, तुम अगर मेरे भाई को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी काफी हेल्प करूंगा। लेकिन पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करता और उन दोनों के बीच में लड़ाई जम जाती है। नूब ऑफिसर ये सब देख लेता है और जिसके बाद वहाँ पर वो नूब ऑफिसर को भी मार देता है वो बंदा। और जिसके बाद वो अपने भाई को जाकर बचा लेता है और वहाँ पर उसका भाई छूट जाता है और वो लोग हगी बगी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो हगी बगी को ढूंढने के लिए आए हुए थे। हगी बगी वहाँ पर खेल रहा होता है और जिसके बाद वहाँ पर अचानक से एक फुटबॉल चली जाती है हीरोब्रेन के मुंह के ऊपर। वहाँ पर अपने कैमरे के साथ आया हुआ था और जिसके बाद कैमरा देख लेता है वो ज़ॉम्बी। और राजू का मन करता है वो कैमरे से अपनी एक फोटो खिंचवा ले और जिसके बाद वो हगी बगी के साथ अपनी एक फोटो खिंचवा लेता है। और तभी वहाँ पर वो फोटो देखते हैं और वो काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ पर हगी बगी से वहाँ पर वो गोल मांगते हैं और हगी बगी जाकर उन्हें एक गोल दे देता है। मॉम कपड़े सुखाने के लिए आई हुई थी और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आने लगती है और जिसके बाद वो गाड़ी अचानक से आ जाती है। राजू की मॉम को वो गाड़ी ठोक देती है और राजू की मॉम वहाँ पर बेहोश जाती है। और जिसके बाद वहाँ पर राजू की नजर पड़ती है उसकी मॉम पर। और जिसके बाद वो वहाँ पर जाता है अपनी मॉम के पास। एक औरत तभी वहाँ पर कॉल लगा देती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर की बात जानते ही वहाँ पर फौरन ही वहाँ पर आ जाते हैं एम्बुलेंस लेकर और ज़ॉम्बी की मॉम का वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो ले जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर हगी बगी चला जाता है और स्क्विड गेम वाले बंदे वहाँ पर आ जाते हैं। और जिसके बाद वहाँ पर एक डॉग वहाँ पर अचानक से बार कर रहा होता है और जिसके बाद वहाँ पर एक प्लेयर की नज़र पड़ती है तो वो हगी बगी पर। और हगी बगी वहाँ पर खाना खाने के लिए जाने लगता है और वहाँ पर वो खाना खाने के लिए मांगता है। वो एक बीफ खरीद कर चला जाता है। स्क्विड गेम वाले बंदे उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं और जिसके बाद वहाँ पर उसकी मॉम घायल हो चुकी थी। और डॉक्टर जैसे ही बाहर जाकर देखते हैं वहाँ पर वो बच्चा आ जाता है अपनी मॉम के पास। अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। वहाँ पर एक आदमी था और जिसके बाद उस आदमी के पास वो स्क्विड गेम वाला बंदा जाता है और उसी पिक्चर को दिखाकर पूछने लगता है हगी बगी। तभी उन लोग को दिख जाता है और जिसके बाद वो लोग हगी बगी का पीछा करने लगते हैं और हगी बगी एक जगह पर रुक जाता है। वाला बंदा उसी हगी बगी को अपने पास बुलाने लगता है और जिसके बाद हगी बगी वहाँ से चला जाता है और वो दूसरी तरफ जाकर रुकता है। चूंकि मॉम अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी और जिसके बाद उसे डायमंड देने थे और वो जिसके बाद डॉक्टर को डायमंड देकर को आ जाती है। और जिसके बाद वो घर में कटाती है और ज़ॉम्बी आकर गेट खोलता है और जिसके बाद वो पूरी की पूरी बात बताता है और एलेक्स को जाकर वो अपने घर में बुलाता है। वो लोग घर में आके काफी खुशी से खाना खाते हैं और वहाँ पर वो बैच लगा हुआ देखता है और तभी उसे हगी बगी की अचानक याद आ जाती है। राजू वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर हगी बगी एक जगह पर बैठा हुआ था। वो कचड़े के डब्बे के पास जाता है। आदमी की टीवी खराब हो चुकी थी और जिसके बाद वहाँ पर वो बाहर जाकर देखता है। हगी बगी को वो चोर समझकर उसे मार देता है और जिसके बाद उसे वो कोई डॉल समझकर उसका खाना कुचल देता है। और वहाँ से हगी बगी काफी उदास हो जाता है। राजू की नजर हगी बगी पर पड़ती है और वो जाता है अपनी हगी बगी के पास और वहाँ पर उसे वो क्वेश्चन करता है और तभी वो पूरी की पूरी बात बताता है। हगी बगी कैसे न कैसे करके बचा हुआ है और वो पूरी दुनिया से छुपा हुआ है। राजू उसे सेफ जगह ले जाने लगता है लेकिन वहाँ पर वो स्क्विड गेम वाले बंदे आ जाते हैं। हगी बगी राजू को भागने के लिए बोल देता है और वो खुद वहाँ पर चला जाता है। वो दोनों के दोनों बंदे उसके पीछे जाने लगते हैं। हगी बगी वहाँ पर फाइट करने लगता है। तभी वहाँ पर अपने पीछे देखता है, उसके पीछे कोई नहीं था लेकिन वहाँ पर स्क्विड गेम वाला प्लेयर उसे ऊपर से उड़कर मारता है। उसके बाद वो राजू को किडनैप करके काफी मारता है और वहाँ पर हगी बगी उनका एक बंदी बना लेता है साथी को। लेकिन हगी बगी जब देखता है वो खुद को वहाँ पर सरेंडर कर देता है लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो खुद को वहाँ पर बंदी बनवा लेता है और जिसके बाद वो गाड़ी से चले जाते हैं। और वहाँ पर ज़ॉम्बी एक जगह पर खड़ा था, वो रोते रोते हगी बगी का पीछा करके जेल में डाल दिया गया था हगी बगी को। और अब वेनम काफी खुश था और वो पोशन भी काम करने लगता है और जिसके बाद उसका पोशन बन जाता है और वो वहाँ पर उसके ऊपर टेस्ट करने के लिए एक जगह पर उसे बांध कर देता है। भी काफी रो रहा होता है अपने हगी बगी के लिए और वो सारी बातें याद कर रहा होता है कैसे वो हगी बगी के साथ अपनी फ्रेंडशिप निभाया करता था और वो दोनों काफी इंजॉय किया करते थे। वेनम का हेलमेट वो पहन लेता है और जिसके बाद वो हगी बगी को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है अपनी मॉम से पूछ कर। लेकिन उसे वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जिसके बाद वो एक आदमी से मिलता है और वो आदमी उसे मना कर देता है कार देने से। राजू की नजर कार पर पड़ती है और वो जाते बगी के ऊपर वहाँ पर इंजेक्शन डलने वाला था और वेनम उसके ऊपर इंजेक्शन डाल चुका था और हगी बगी उनके घर में पहुंच जाता है। और जिसके बाद वाला बंदा जैसे ही बाहर आता है वहाँ पर राजू अंदर जाता है और जिसके बाद राजू काफी जोर जोर से मारता है उस स्क्विड गेम वाले बंदे को। हगी बगी पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका था और वो ज़ॉम्बी को मारने जाता है। हगी बगी राजू को मारने के लिए आता है लेकिन स्टार देखते ही हगी बगी रुक जाता है और अपने फ्रेंड को नहीं मारता। वेनम वहाँ पर आग लगाता है और हगी बगी मर जाता है और वो लोग की दोस्ती खत्म हो जाती है। गाइस हगी बगी के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब।